हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। पहले 10 से 15 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें हम लोग इंटरनेशनल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर रिलेटेड होंगे जो सारे के सारे। देन उसके फर्दर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे नेशनल एंड स्टेट रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाम को हमारी 5 बजे आज हिस्ट्री की क्लास नहीं आएगी, हिस्ट्री की जगह जियोग्राफी के जो सेशन चल रहा है हमारा एमसीक्यू और जियोग्राफी की क्लास आएगी। देन 7 बजे आर्ट कल्चर की क्लास आएगी आपकी, एंड 9 बजे साइंस एंड टेक की। ये दोनों भी आपके करंट अफेयर्स ही समझो, ठीक है? आपके करंट अफेयर्स टॉपिक के ही, इसमें भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक ही कवर होंगे। और टेलीग्राम चैनल से आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो ये लेक्चर है इसकी भी पीडीएफ मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा, आप डाउनलोड करके वहाँ से रिविजन कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स अगर आपने अभी भी नहीं किए, ये एक तो वीडियो आपके पास है फुल फ्लेज, आपको यहाँ से एक वीडियो कवरेज में मिल जाएगी सारे करंट अफेयर्स। बट फिर भी अगर आपको और देखनी है थ्रू ट्रिक्स या फिर डेली फॉलोअप करना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच टू ऑर्गेनाइजेशन आर प्लानिंग टू लॉन्च अ प्लेटफॉर्म फॉर एडवाइजिंग पुअर कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंजिंग फंडिंग? इनमें से कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दो प्लान कर रही हैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, जिसमें जितने भी गरीब कंट्रीज हैं उनको एडवाइज़ किया जाएगा क्लाइमेट चेंजिंग फंडिंग के लिए? ठीक है, RBI एंड सेबी, EDB एंड AIIB, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, या फिर NDB एंड EDB? तो ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये दो हैं वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR जो होते हैं, विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन? ये कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेट करती है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स? ऑल राइट, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये किससे रिलेट करते हैं? दैट इज IMF, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ मिशन नेम्ड शील्ड्स? शील्ड्स नाम से एक स्पेस एजेंसी ने अपना मिशन लॉन्च किया है, तो वो कौन सी एजेंसी है? नासा, इसरो, ईसा या रोसकोस्मोस? तो ये किसने लॉन्च करा है? दैट इज ऑप्शन ए नासा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पेशल 301 रिपोर्ट द फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज बाई US इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? ये कौन से सेक्टर से रिपोर्ट बिलोंग करती है जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है जो US ने रिलीज की है? डिफेंस से रिलेट करती है, ट्रेड से रिलेट करती है, माइग्रेशन से रिलेट करती है, या फाइनेंस से रिलेट करती है? तो ये रिलेट करती है हमारी ट्रेड से, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन एलीज वेलकम, ठीक है, प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड इन विच कंट्री? रशिया, USA, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो ये कहाँ का है ये प्रोसीजर? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, USA। नेक्स्ट, स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज जो हैं ये किस एंटरप्रेन्योर के द्वारा ऑन की गई हैं? एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या मार्क जगरबर्ग? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन ई एलोन मस्क। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड US डॉलर्स ऑफ 350 मिलियन फॉर इंडिया टू हेल्प इम्प्रूव इट्स अर्बन सर्विसेज? अर्बन सर्विसेज के लिए 350 मिलियन US डॉलर्स कौन से इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है इंडिया के लिए? ADB ने, AIIB ने, IMF ने या ब्रिक्स बैंक ने? तो ये किसने किया है? दैट इज ऑप्शन ए ADB। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2022 to 2025? ये 5 साल का ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एक्शन प्लान हमने साइन किया है, ये किस कंट्री के साथ हम सिग्नेटरी हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, बी डेनमार्क, सी ऑस्ट्रेलिया, डी UK। तो ये किसके साथ हम सिग्नेटरी हैं? दैट इज ऑप्शन बी डेनमार्क के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एज पर द रिसेंट रिसर्च बाई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विच हैज बीन चूजन एज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर? 2021 का जो चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर है जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिसेंटली
रिसर्च करके कौन सा वर्ड है वो जो चुना है चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर, डिप्रेशन, वायरस, एनजाइटी या स्कूल। तो ये कौन सा वर्ड था, दैट इज ऑप्शन सी, एनजाइटी इज द वर्ड। ठीक है, आजकल के बच्चों में ये कॉमन पाई जा रही है, दैट्स वाई एनजाइटी इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर चिल्ड्रंस। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली साइन द वर्चुअल एसेट्स बिल। ठीक है, वर्चुअल एसेट्स बिल लीगलाइजिंग क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया था, वर्चुअल एसेट्स बिल, जिस कंट्री में क्रिप्टो करेंसी जो उसको लीगलाइज किया गया, रशिया, यूक्रेन, चाइना या यूएसए। तो ये कौन था, दैट इज यूक्रेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज एंगेज्ड विच इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ कोविड-19 टूरिज्म। जो कोविड-19 का इफेक्ट पड़ा है टूरिज्म पे, तो ये कौन सी, इसमें से यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने कौन से इंस्टीट्यूशन को ये काम सौंपा गया था, कौन सी इंस्टीट्यूट को या कौन से डिपार्टमेंट को, नीति आयोग को, NCAIER को, टेरी को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को। तो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी, NCAIER को। ठीक है, HCCR पोर्टल विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाई आयुष मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। जो HCCR पोर्टल है, अभी आयुष मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च करा है, ये कौन सी फील्ड से रिलेट करता है, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी या योगा। तो ये रिलेट करता है हमारा होम्योपैथी को, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द लिटिल गुरु ऐप, इसरो, ICCR, भेल या सार्क। तो ये लिटिल गुरु ऐप किसने रिसेंटली लॉन्च किया, दैट इज ICCR, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच सेंटर, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन जो सेंटर हमारा इंडिया का पहला है, वो कौन सी सिटी में सेटअप किया गया अभी, मुंबई, पुणे, गुवाहाटी या कोचिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इन पुणे, ये पुणे में सेटअप किया गया है। हु चेयर्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग, जो भी GST की काउंसिल मीटिंग होती है उसको चेयर कौन करता है, उसका चेयरमैन कौन रहता है, PM, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर नीति आयोग के CEO। तो इसको कौन चेयर करते हैं, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज़ द हेड ऑफ ई कमेटी। ठीक है, ई कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें लाइव स्ट्रीम करके मतलब कोर्ट ऑनलाइन चलता है, तो उस ई कमेटी को हेड कौन करता है, ऑप्शन ए धनंजया वाई चंद्रचूड़, NV रामन्ना, दीपक मिश्रा, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये हमारे लास्ट चीफ जस्टिस CJI थे और ये हमारे करंट CJI हैं। ठीक है, और जो ई कमेटी के हेड हैं वो हैं ऑप्शन ए, ठीक है, धनंजय वाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा ये। एम योगा एप्लीकेशन, ठीक है, लॉन्च्ड बाय इंडिया रिसेंटली वाज डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमने एम योगा एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया था, UN, WHO, CDC, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो ये किसके साथ मिलके हमने किया था, दैट इज WHO। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ब्रांड सोन चिरैया, ठीक है, फॉर मार्केटिंग ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट्स। सोन चिरैया कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जो मार्केटिंग के लिए है, किसके लिए, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, दैट इज ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ऑल राइट, विच स्टेट हैज प्लान्ड टू री इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियल अदालत्स, जो इंडस्ट्रियल कोर्ट्स हैं उसको री इंट्रोड्यूस्ड करना चाह रही है, प्लान किया है कि री इंट्रोड्यूस करेगी, तो वो कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश। तो उस स्टेट में इंडस्ट्रियल कोर्ट्स पहले थे, उसको बंद कर दिया गया था, अब उस स्टेट में उसको री इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेट है आप लोग बताइए, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है या हिमाचल प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। रिसेंटली विद विच कंट्रीज यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
ठीक है, हमारे यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली किससे अप्रूवल लिया है, कौन सी कंट्री से अप्रूवल लिया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, जिसमें हमने एमओयू साइन किया है। तो वो कौन सी कंट्री के साथ हमने एमओयू साइन किया है ये बताना आपको, जर्मनी, जापान, इटली या बेल्जियम। तो ये हमने साइन करा है, दैट इज ऑप्शन सी, इटली के साथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई पार्किंग्स इज एन ऐप लॉन्च्ड टू बुक पार्किंग स्लॉट्स ऑनलाइन बाय विच स्टेट और यूटी। जो माई पार्किंग ऐप है, जो अभी अभी स्टेट या यूटी किसी के द्वारा लॉन्च की गई है, जिससे आप ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, वो इनमें से किस स्टेट ने लॉन्च करी है? दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पुडुचेरी। तो ये हमारी किसने लॉन्च करी थी? दैट इज दिल्ली। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पार्किंग का घपला ही नहीं रहेगा, ऑनलाइन आप स्लॉट बुक करिए, वहाँ जाके आप अपनी गाड़ी या बाइक जाके पार्क कर सकते हैं। परख, ठीक है, विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ पोर्टल एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये एक पोर्टल है, किस फील्ड से रिलेट करता है परख? स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, डिफेंस एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कस्टम क्लियरेंस। तो इनमें से किससे रिलेट करता है ये परख? तो परख जो है, आप इजीली आप आइडिया लगा ही लिया होगा परख, ठीक है। परख का क्या मीनिंग होता है, मतलब पहचानना। तो पहचानना कैसे होगा, अगर हम सीखेंगे तो, ही हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, हाँ भाई ये कितना अच्छा पढ़ा लिखा है। तो इसके लिए क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन ए, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, विच इंडियन स्टेट हैज ज्वाइंट द हैंड्स विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स। इनमें से कौन सी स्टेट ने, ठीक है, WFP के साथ हाथ मिलाया है कि अपनी स्टेट की ये फूड सिक्योरिटी जो है अपनी फार्मर्स की, उसको इम्प्रूव कर सके। तो कौन सी स्टेट है ये? तमिलनाडु है, उड़ीसा है, तेलंगाना है या आसाम है। तो ये किसने साइन करा है? दैट इज उड़ीसा। ऑप्शन ए इज द सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उड़ीसा। ऑल राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑपरेशन सजग, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी। ऑपरेशन सजग जो है वो कौन सी स्टेट और यूटी से एसोसिएट करता है? MP, दिल्ली, UP या J&K। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑपरेशन सजग, तो दैट इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शंस कोटा एज ऑफ 2022। जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शंस, क्या अपना हमारे पास एक कैटेगरी है, उसमें इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए? 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख। तो ये है ऑप्शन बी, दैट इज 8 लैक्स। ऑल राइट, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी, ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी जो है अभी अभी लॉन्च की गई है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो ये अभी किसने लॉन्च करा था? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑप्शन ई, क्या? ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी, याद रखिएगा। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द किसान मोबाइल ऐप? किसान मोबाइल ऐप अंडर कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट के अंदर किसान मोबाइल ऐप जो अभी अभी लॉन्च की गई है, इसमें क्या है, किसानों को ये ऐप बताएगी कि आपकी फसल के लिए या फिर आप जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके लिए ये मौसम ठीक रहेगा या नहीं। तो ये बताइए किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करी थी? नाबार्ड, IIT रुड़की, आईकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये किसने लॉन्च करी थी अभी अभी? IIT रुड़की, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल्स। होप सो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इनसे, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्दर भी हमारी अभी शाम को इस पे आर्ट एंड कल्चर की आएगी, एंड फुल फ्लेज वीडियो ऐसे ही मैं आपके रिवीजन के लिए डालता रहूँगा। स्पोर्ट्स की भी डाल दूंगा मैं आज ही, तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।